महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म भरते वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में अनजान है। हाय दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप सभी का द स्टडी डेस्टिनेशन इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के जरिए आपको एजुकेशनल गाइडेंस और करियर गाइडेंस की जानकारी मिलेगी। आठवीं से लेकर ग्रेजुएट तक के बच्चों को ये महत्वपूर्ण है। कृपया आप और आपके पेरेंट्स भी ये वीडियो जरूर देखें। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अलग अलग डिविजनल बोर्ड और उनके एड्रेस बताए थे। आज हम उसी का पार्ट टू लेके आए हैं, जिसमें हम फॉर्म रजिस्ट्रेशन और उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म कौन भर सकता है? नंबर वन, CBSE, ICSE, IB या कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट 17 नंबर का फॉर्म भर सकते हैं। नंबर टू, जो स्टूडेंट 8th पास और 9th फेल है, जिनकी एज 14 इयर्स कंप्लीट है, ऐसे स्टूडेंट्स 10th प्राइवेट का फॉर्म भर सकते हैं। नंबर थ्री, जिनको स्कूल में जाने के लिए वक्त नहीं मिलता या जिस स्टूडेंट्स को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या किसी स्टूडेंट्स को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, ऐसे स्टूडेंट 10th प्राइवेट का फॉर्म भर सकते हैं। नंबर फोर, जिनकी पढ़ाई में कुछ रुकावट आई हो, ऐसे स्टूडेंट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। नंबर फाइव, जो स्टूडेंट करेंटली 8th पास हो और उसी वक्त 30 जुलाई के पहले उसकी उम्र 14 कंप्लीट हो रही हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट 9th में जाने के अलावा या 10th का फॉर्म भर सकता है, जिसकी वजह से उसका एक साल बच सकता है। फॉर्म भरते वक्त यह बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन, ये फॉर्म डायरेक्ट अपने अपने नजदीकी स्टेट डिविजनल बोर्ड में जाकर भरना है। नंबर टू, फॉर्म भरने के पहले किसी भी स्कूल में जाने की जरूरी नहीं है। नंबर थ्री, फॉर्म ठीक से पढ़कर उसे भरना है। नंबर चार, ये फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट 10th प्राइवेट के लिए एलिजिबल होता है। नंबर फाइव, अपने आसपास के 3 स्कूल के प्रेफरेंस आपको फॉर्म में भरने हैं। नंबर सिक्स, फॉर्म में जिस स्कूल के नाम होंगे उसमें से ही आपको स्कूल सिलेक्ट करना है। नंबर सेवन, स्कूल सिलेक्ट करते वक्त सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी, मीडियम और आने जाने का समय जरूर देखें। नंबर एट, फॉर्म भरने के बाद बोर्ड से जो स्कूल दिया जाएगा उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना है। नंबर नाइन, इस स्कूल में आप रेगुलर लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं। नंबर टेन, कोई अच्छा सा क्लास या प्राइवेट ट्यूशन लगाकर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब तक आप 10th की एग्जाम नहीं देते हैं तब तक वो वैलिड होता है। जो स्टूडेंट 17 नंबर फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें स्कूल से गाइडलाइंस दिया जाता है। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश या मराठी, मैथ्स, सोशल साइंस, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट बुक्स बोर्ड से दिए जाएंगे। ये असाइनमेंट बुक्स इंग्लिश, मराठी, हिंदी और उर्दू मीडियम में उपलब्ध है। असाइनमेंट बुक भरने के बाद वो चेक करके दिए जाते हैं। साइंस और ICT इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और उनके प्रैक्टिस स्कूल के जरिए हो जाएगी। ग्रेड सब्जेक्ट की एग्जाम स्टडी सेंटर में ही ली जाएगी। करिकुलम, वेटेज ऑफ मार्क्स, मार्किंग सिस्टम, पेपर पैटर्न, एग्जाम्स रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स को सेम होता है। स्टूडेंट, और बहुत सारी जानकारी बाकी है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ,
द स्टडी डेस्टिनेशन ये चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।